हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। आज मैं आपको बताती हूँ बिगनिंदास वेंडर एप्लीकेशन पर ही फैंसी एंड गिफ्ट आइटम्स वाली शॉप को कैसे रजिस्टर करना है। अब हमें पहले जाना है बिगनिंदास वेंडर एप्लीकेशन पर। जाने के बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्रिएट योर अकाउंट और क्लिक हियर टू लॉग इन वाले जो दो रेड वाले बटन दिखाई देंगे। अब हमें जाना है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्रिएट योर अकाउंट पर। क्रिएट योर अकाउंट पर जाना है, देन यहाँ पर फुल नेम एंटर करनी होगी। जो भी आपका फुल नेम होगा यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप पर आपको करनी है ईमेल एड्रेस एंटर। देन यहाँ पर फोन नंबर। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर ओटीपी आपके फोन नंबर पर मिल जाएगी, उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करनी है। जो भी आपका पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो इजीली। देन ये हो गया देन रजिस्टर, रजिस्टर कर देना है। ये हो गया रजिस्टर, आपको मिल जाएगी स्टोर लिस्टिंग, व्हीकल लिस्टिंग और सर्विस लिस्टिंग। अब हमें शॉप लिस्टिंग ही करनी है। देन हमें जाना है स्टोर लिस्टिंग पर। यहाँ पर हमें शॉप नेम एंटर करनी होगी। देन यहाँ पर शॉप कैटेगरी, जो भी आपकी शॉप कैटेगरी होगी आपको यहाँ पर चॉइस करनी होगी। चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देन यहाँ पर करंट लोकेशन, जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उसे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर स्टेट एंटर करनी है। देन यहाँ पर सिटी, जो भी आपकी सिटी होगी उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर एरिया, जो भी आपकी एरिया होगी उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर एड्रेस एंटर कीजिए। देन यहाँ पर पैन या आधार को सेलेक्ट कर दीजिए। ये हो गया सेलेक्टेड। देन हमें जाना है ट्रेड लाइसेंस पर। ट्रेड लाइसेंस जो भी आपकी होगी शॉप की, यहाँ पर हो तो एंटर कर सकते हैं, नहीं हो तो आप जीएसटी वाली बिल या फिर तो रिटेल अग्रीमेंट वाली बिल को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एफएसएसएआई लाइसेंस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अपलोड कर सकते हो इजीली। देन आपको यहाँ पर स्टोर फोटोज अपलोड करनी है, जो भी आपकी स्टोर की फोटोज होगी। ये हो गया अपलोडेड। देन रजिस्टर, ये हो गया है एक्शन कम्प्लीटेड, रजिस्टर हो चुका है। अब हमें जाना है एक्सप्लोर पेज ऑर्डर पेज पर। एक्सप्लोर ऑर्डर पेज पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स और डिलीवर्ड ऑर्डर्स और टोटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और मेंबरशिप के राइट में आपको सब्सक्रिप्शन डेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको बेल आइकन पर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। देन यहाँ पर शेयर ऑप्शन पर आप इजीली ऐप को शेयर भी कर सकते हो। देन यहाँ पर थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स, ऐड प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पर कर देना है। ये होगा डैशबोर्ड। एक ग्रीन लेबल वाला जो एक्टिव स्टेट दिखा रहे ना, इस पर आपको क्लिक करने पर आपके स्टोर अवेलेबल होगा कस्टमर एप्लीकेशन पर। एक्टिव स्टेट को क्लिक करने पर अगर आप इनएक्टिव करते हो तो शॉप इनएक्टिव भी हो जाएगा। देन प्रोफाइल सेटिंग पर जाना है हमें। देन डिलीवरी और पिकअप का ऑप्शन देना है, मैं दूंगी डिलीवरी। देन हाउ मेनी किलोमीटर सर्विंग देना है, जितने किलोमीटर पर अपने अपनी दुकान को सेलेक्ट करते हो दिखाना चाहते हो ऑनलाइन, तो उसे यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस, जो भी आपकी डिलीवरी चार्जेस होगी डिलीवरी बॉय के लिए, देन यहाँ पर इसे एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर फ्री डिलीवरी अबो का एंटर करना है। अगर ज़्यादा कीमती वाले प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो उस प्रोडक्ट के लिए आप फ्री डिलीवरी भी दे सकते हो। देन यहाँ पर अपडेट, ये हो गया अपडेटेड। देन हमें जाना है थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस पर। देन हमें क्लिक करनी है ऐड प्रोडक्ट पर। ऐड प्रोडक्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम एंटर करनी होगी। देन यहाँ पर हमें सेलेक्ट सब कैटेगरी करनी होगी, जो भी हमारी कैटेगरी होगी उसे। देन ओरिजिनल प्राइस, जो भी इसका ओरिजिनल प्राइस होगा
एमआर की जीएसटी मिलाकर उसे यहाँ पर अपडेट कर देनी है। ये होगा उसका ओरिजिनल प्राइस, इतना देने यहाँ पर डिस्काउंट में आप जितना देना चाहते हो दे सकते हो इजीली। यहाँ पर दूंगी मैं डिस्काउंट प्राइस, ये जितना है, 1 है तो 1 दे सकते हो या फिर तो 2 हो तो 2 भी एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पर यूनिट एंटर करनी है, जितना आपके पास यूनिट होगा उतना। देन स्टॉक जितना होगा उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। देन डिस्क्राइब करनी है, देन यहाँ पर फोटोज को अपलोड कर देनी है। देन ये हो गया अपडेटेड। देन ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट कर देनी है, ऐड प्रोडक्ट एडेड, ओके। देन अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करके बताती हूँ फ्रेंड्स मैं। अब आपको ऐड प्रोडक्ट पर जानी है, ऐड प्रोडक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम एंटर करनी होगी। देन यहाँ पर गिफ्ट आइटम सेलेक्ट करती हूँ मैं, ये गिफ्ट यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ। देन यहाँ पर सब कैटेगरी, जो भी आपके पास सब कैटेगरी होगी उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन ओरिजिनल प्राइस इसकी, देन इसकी डिस्काउंट में आप जितना देना चाहते हो उसे यहाँ पर दे सकते हो। देन यहाँ पर यूनिट, देन स्टॉक, देन डिस्क्रिप्शन, देन फोटो को ऐड कर देनी है। ये हो गया ऐड प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट एडेड, ओके। देन अब हमें जाना है एडिट प्रोडक्ट्स पर। एडिट प्रोडक्ट्स पर जाने पर आपको जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया हो यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। देन अब हमें जाना है ऑर्डर पेज पर, मैं बाद में बताती हूँ फ्रेंड्स ऑर्डर करके। देन यहाँ पर हमें जाना है सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन पर फर्स्ट मंथ के लिए आपको 30 डेज वाला 118 रुपीज़ का पैकेज मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अपडेशन होते रहेंगे, मैं बताती हूँ 30 डेज वाला 118 रुपीज़ को रिचार्ज कैसे करना है। यहाँ पर पेनो पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट जो भी होगा मिल जाएगा। देन यहाँ पर पे कर देना है, ओटीपी फोन नंबर पर मिल जाएगी, उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। ये हो गया है एक्शन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका टोटल डेज सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं 30 डेज के लिए। अब हमें बैक जाना है, बैक जाने पर ऑर्डर पेज पर जाके अब हमें जाना है फ्रेंड्स कस्टमर एप्लीकेशन पर। कस्टमर एप्लीकेशन पर जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे फैंसी एंड गिफ्ट आइटम्स वाली शॉप को जो हमने क्रिएट किया है वहाँ पर से ऑर्डर कैसे करना है। यहाँ पर हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसे ऐड कर देनी है कार्ट पर, ओके। देन हमें कार्ट पर ऐड हो चुकी है। देन चेकआउट सेलेक्ट करनी है, एड्रेस, एड्रेस सेलेक्टेड के बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पर सक्सेसफुली ऑर्डर्ड कर देना है। देन अब हमें जाना है बिग मिदास वेंडर एप्लीकेशन पर, जाके अब हमें चेक करनी है ऑर्डर पेज पर। अब हमें ऑर्डर आ जाएगी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है, अब हमें एक्सेप्ट कर देने हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये भी एक ऑर्डर है जो पहले मुझे आया था, देन एक्सेप्ट कर देनी है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें जाना है कंफर्म ऑर्डर्स पर। कंफर्म ऑर्डर्स पर जाने के बाद अब हमें कॉलनों पर अब हमें कस्टमर से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मैं दूंगी कंप्लीटेड, देन ये वाला ऑर्डर को भी मैं कंप्लीटेड देती हूँ। देन ये हो गया नो ऑर्डर्स पर, नाउ कंप्लीट हो चुकी है। डिलीवरी होने के बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल पर यहाँ पर योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली करके मैसेज आ जाएगा फ्रेंड्स। देन ये हो गया डिलीवर्ड प्रोडक्ट, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।